हाय गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। होप आप सभी लोग अच्छे हैं। सो अभी जिस सुबह के 9:30 बज रहे हैं, सो हम लोग को अभी जाना है शिव मंदिर। सो सब लोग तैयार हो रहे हैं। मैं तो सबसे बोला था कि सब लोग पहले तैयार हो जाना, बाद में मुझे बोलना, मैं उठूँगा, लेकिन मुझे ही पहले तैयार होना पड़ा। पता नहीं सब लोग क्या कर रहे हैं, लेडीज़ लोग इतना लेट कर रहे हैं खुशी में। तो फिलहाल चलिए देखते हैं कौन कौन क्या क्या कर रहा है, रेडी हुआ है नहीं हुआ है, फटाफट सभी को रेडी करवाते हैं। कैब भी बुक करना है, अपना कार भी लेना है, तो बहुत ज़्यादा आदमी लोग हैं ना, तो एक कार में नहीं हो रहा है। बड़ा कार में ज़्यादा चलाना, तो चलाने को तो आता है कार, लेकिन उतना अभी तक एक बार भी नहीं चलाया हूँ रिश्ता को, तो इसलिए उसको टच भी नहीं करता हूँ। तो फिलहाल देखिए सनी भी रेडी हो चुका है, चलिए देखते हैं कौन कौन रेडी हुआ है, कौन कौन नहीं रेडी हुआ है। सो गाइस देखिए, अभी हम लोग चल चुके हैं शिव मंदिर के लिए। तो फिलहाल अभी बहुत से आदमी लोग का कैंसिल हो चुका है कुछ इश्यू के कारण, तो फिलहाल सब बस इतना ही जा रहे हैं। कैब वगैरह कुछ भी नहीं बुक किया हो, बस इतना ही आदमी जा रहे हैं। मानवी चश्मा भी पहनी होगी। तो चलिए चलते हैं शिवम मंदिर, आपको भी लेके चलते हैं। तो चलिए हमारे साथ आप लोग। सो गाइस देखिए, आखिरकार हम लोग अभी मंदिर पहुंच चुके हैं, और मंदिर को अगर आगे से देखोगे तो आपको मंदिर दिखेगा ही नहीं, आपको ऐसा लगेगा कि क्या कॉम्प्लेक्स में आ चुके हैं या माल में आ चुके हैं। तो चलिए आगे का फ्रंट व्यू दिखाते हैं आपको, और फिर अंदर लेके चलते हैं मंदिर के। सो देखिए गाइस, हम लोग अभी मंदिर पहुंच चुके हैं। मम्मी और मिश्री पार्किंग में से चल के आ रहे हैं। तो देखिए, देख बाहर से देखने में कितना छोटा मंदिर दिख रहा है, मंदिर दिख ही नहीं रहा। आपको बैक करके दिखाता हूँ, मंदिर दिखेगा नहीं। और एक यहाँ पे माल है, कैम फोर्ट माल है, उसके पीछे है। तो चलिए दिखाता हूँ कैसा है आगे से, और आपको पीछे देख के तो दंग रह जाएंगे कि इतना सुंदर मंदिर है। तो देखिए गाइस, ये रहा मंदिर का फ्रंट। तो देखिए, आप लोग को तो दिख ही नहीं रहा, देखिए ये तो कैम फोर्ट माल दिख रहा है, लेकिन देखिए दिखेगा ही नहीं गाइस। और ये रहा देखिए, पीछे ऐसा है शिव शंकर जी, ऐसे दिखते हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कैसा है मंदिर। तो देखिए गाइस, कितना लंबा लाइन है। तो अभी हम लोग भी क्यू में खड़े हुए हैं। देखिए मम्मी, चाची, छोटकी चाची, सभी लोग लाइन में खड़े हुए हैं। तो फिलहाल अभी चलिए अंदर चलते हैं। देखिए गाइस, हम लोग एंट्री कर चुके हैं, और ये देखिए कितने अच्छे से दिख रहे हैं। तो अभी चलिए अंदर चलते हैं और आपको पूरा दर्शन कराते हैं, फिर बाद में दिखाते हैं। देखिए गाइस, यहाँ पे किसी को रुद्राक्ष पहनना है, तो यहाँ पर पंडित जी वो मंत्र जप बोल के सबको रुद्राक्ष पहनाते हैं। देखिए अभी सनी रुद्राक्ष पहना हुआ है, तो ये देखिए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अंदर, तो चलिए आपको भी अंदर लेके चलते हैं। तो देखिए गाइस, टिकट में क्या है, जैसे ही टिकट में वैसा वैसा करना रहेगा। तो देखिए, पहला तो 108 मंत्र का ओम नमः शिवाय जप करना रहेगा, तो जो यहाँ पर हम लोग करेंगे पूरा का पूरा। देखिए इसमें है, इसमें कलश के अंदर रुद्राक्ष डाल के 108 रुद्राक्ष डाल के ओम नमः शिवाय कहेंगे, फिर महायज्ञ होगा, मिल्क अभिषेक, नवाग्रह, पंच गम यात्रा, स्पेशल अभिषेक, प्रसाद, फिर 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा, अगरबत्ती, मिराकल कॉइन, दिव्य विघ्नहर थ्रेड, ओम नमः शिवाय पूजा, ओम शिवम पूजा। तो ये देखिए पूरा का पूरा टिकट एक आदमी का 250 रुपीज़ है। तो चलिए अभी अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो देखिए गाइस, 108 कलश है, और यहाँ से 108 रुद्राक्ष दिया जाता है। तो फिलहाल सभी लोग हर एक कलश में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कहते हुए एक एक रुद्राक्ष डालेंगे, और जैसे ही ख़त्म होगा देखिए गणेश जी का दर्शन किया जाएगा, फिर गणेश जी का पूजा किया जाएगा। और यहाँ पर देखिए, चलिए दिखाता हूँ कि पूजा हो रहा है। देखिए यहाँ पर शिव जी का पूजा किया जा रहा है, जो केला नारियल लेके आते हैं सभी का यहाँ पर पूजा कर रहे हैं। तो देखिए मम्मी, चाची, बड़की चाची, सनी और भाभी नहीं दिख रही हैं कहाँ पर है, और भाभी पीछे हैं। तो सभी लोग देखिए यहाँ पर खड़े होकर पूजा करवा रहे हैं। सो देखिए फ्रेंड्स, टाई योर प्रॉब्लम्स हियर, लीव देम बिहाइंड। सो जो आपका जीवन में प्रॉब्लम्स चल रहा है,
तो उसका नाम लेके या जो प्रॉब्लम है वो ध्यान रखते हुए यहाँ पर एक धागा दिया गया है। देखिए ऐसे धागा दिया गया है तो उसको वहाँ बांधना है, तो अगर वो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा तो फिर से आके भगवान का दर्शन करना पड़ेगा। तो देखिए अभी वहाँ जो धागा दिए थे वो बांध के देखिए अभी गणेश जी का दर्शन करते हुए हम लोग चल रहे हैं नीचे। तो अभी नीचे जाएंगे, फिर नीचे अभी इसके अंदर जा रहे हैं, सॉरी गाइस गलत बोलने के लिए। तो अभी इसके अंदर जाएंगे, यहाँ पर अभी क्या क्या है, हरिद्वार स्पेशल है कुछ एंट्री पता नहीं। तो देखिए बहुत ही अच्छा है गाइस, यहाँ पे आने पे एक अजीब सा सुकून मिलता है। तो चलिए देखते हैं, हरिद्वार 10 स्टेप्स अवे हरिद्वार का दर्शन होगा। तो देखिए हरिद्वार 10 स्टेप्स अवे, तो चलिए हम लोग चलते हैं। सो देखिए गाइस, ये रहा हरिद्वार के शिव शंकर जी। अभी हम लोग जा रहे हैं ऋषिकेश। तो देखिए ये रहा जैसे अच्छी तरीके से बना हुआ है। देखिए ये पुल ओवर बना है, ये जैसे बना हुआ है तो सब कुछ अच्छे तरीके से बना हुआ है, तो सब लोग आराम से आए। तो चलिए गाइस, ओके देखिए बद्रीनाथ। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बद्रीनाथ दर्शन करने। तो देखिए ये रहा बद्रीनाथ, तो अभी बद्रीनाथ के अंदर चलते हैं। सो देखिए गाइस ये रहे बद्रीनाथ, और शिव शंकर जी का दर्शन कर लीजिए सभी लोग। सो देखिए गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं केदारनाथ। सो ये रहे देखिए केदारनाथ जी, और ये देखिए ये देखिए अभी हम लोग जा रहे हैं दर्शन करने अमरनाथ। तो देखिए और ये देखिए जो शिवलिंग है ना, ये ठंडा ही है, अमरनाथ जैसे बोलोगे ये बर्फ़ से ही बना गया है। तो देखिए एकदम से आप लोग को महसूस नहीं होगा, लेकिन हम लोग छू के देख रहे हैं तो महसूस हो रहा है कि हाँ बर्फ़ से बना है, एकदम से ठंड है, एकदम से बर्फ़ से बना हुआ है। तो देखिए गाइस कितना अंधेरा है, बहुत अच्छी तरह से बना हुआ है। तो हम लोग अभी जिस हर एक भगवान का दर्शन कर चुके हैं, अभी हम कैसे एग्जिट आने वाला है। तो देखिए एकदम से जैसे गुफा बना है ना, ऐसे गुफा बना हुआ है। तो देखिए मानवी कैसा लगा, चलिए चलिए बहुत अच्छा लगा। देखिए गाइस हम लोग अभी एग्जिट करके आ चुके हैं, एग्जिट में आ चुके हैं। तो चलिए अभी देखिए आते ही अब हम लोग यहाँ अभिषेक करेंगे शिव जी का दूध से। वाह, तो देखिए गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं स्पेशल 12 ज्योतिर्लिंग अभिषेक के लिए। चलिए सो चलिए मैं एक एक करके आप लोग को बताते हुए चलता हूँ। तो ये रहा क्या चाची, आप बोलो जोर से, जय ओम नमः शिवाय। तो देखिए गाइस महाकालेश्वर का दर्शन कर लीजिए, ये रहा। तो ये देखिए काशी विश्वनाथ का दर्शन कर लीजिए गाइस, ये एक समझ लीजिए प्रोटोटाइप बना हुआ है, जैसे कि मंदिर है उसी तरह से बना हुआ है। तो देखिए तो देखिए गाइस कितने अच्छे से भगवान को जल अर्पण हो रहा है। तो ये देखिए गाइस मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश में ये मंदिर है। तो देखिए यहाँ पर भी जैसे बोला हूँ हर एक मंदिर का यहाँ पर प्रोटोटाइप बना हुआ है। तो देखिए नागेश्वर मंदिर है गाइस गुजरात में, जो कि स्थापित है। और ये देखिए नारद जी, नारद जी का भी दर्शन कर लीजिए। जगमन नारायण नारायण नारायण। ये देखिए गाइस रामेश्वर टेम्पल जो कि तमिलनाडु में, मैं एक खुद जाके दर्शन किया हूँ, तो बहुत अच्छा मंदिर है गाइस, आप भी एक बार जाके दर्शन करिए। तो ये रहा सोमनाथ जो कि गुजरात में है, तो इस टेम्पल के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चित में रह रहे हैं कि बहुत बार डेमोलिश हुआ है। सो आप लोग भी, मैं मुझे जाना है एक बार, लेकिन जाऊँगा। सो ये देखिए गाइस गणेश्वर महाराष्ट्र में मंदिर है। सो ये देखिए गाइस शिव शंकर जी का इतना अच्छा मूर्ति है, भव्य मूर्ति बना हुआ है, अच्छे से खड़े हुए हैं।
और ये देखिए विद्यानंद, ये झारखंड में है। तो ये देखिए गाइस ओमकारेश्वर, गाइस ये रहा ओमकारेश्वर जो कि मध्य प्रदेश में है। देखिए दिखने में हुबहू ऐसे दिखता होगा वहाँ का मंदिर। ये देखिए गाइस, तो ये रहा देखिए भीम शंकर जो महाराष्ट्र में है, और ये देखिए वहाँ का छवि त्रिंबकेश्वर। तो ये देखिए वहाँ का त्रिंब ट्री मतलब ट्राई। तो देखिए तीन शिवलिंग एक ही जगह पर ऐसे ही बना हुआ है। आखिरी में आता है गाइस केदारनाथ जो कि झारखंड में है। तो देखिए जैसे बर्फ में एकदम जैसे केदारनाथ में है शिव शंकर जी, और उनका भी देखिए बहुत ही कितने अच्छे से बनाया गया है। सो यहाँ पर देखिए 12 ज्योतिर्लिंग का पूरा सा पूरा एकदम से एक ही साथ सेटअप किया गया है, जहाँ पर हर लोग आके यहाँ पर जल अभिषेक कर सकते हैं। और फिलहाल अभी मम्मी जल अभिषेक कर रही हैं। तो ये जो कॉइन दिख रहा है इसको लेके 7 बार ओम नमः शिवाय करके देखिए मिराकल कॉइन में डालना रहेगा। और देखिए इधर दिया जलाना रहेगा। और देखिए सभी लोग घर वाले सभी लोग देखिए ये रहा देखिए भव्य शिव शंकर जी, देखिए ऊपर से जटा में गंगा जी बह रही है। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, अच्छे से सुकून मिल रहा है गाइस। तो अभी जा रहा है गाइस महायज्ञ होने। तो ये सभी महायज्ञ महायती होगा और सभी परिवार के लिए अभी यहाँ पर पंडित जी देखिए यहाँ पर अभी पूजा करेंगे। तो चलिए हम लोग भी जाके महायज्ञ करवाते हैं। तो देखिए गाइस वहाँ पर महायज्ञ होने के बाद अभी नवाग्रह पे आए हैं, जहाँ पे 9 फेरा लिया जाता है कि हाँ नवाग्रह लोग जो हैं हमारे ऊपर कृपा बनाए रहे। तो देखिए मम्मी चाची सभी लोग रहे अच्छे से दर्शन कर रहे हैं। तो गाइस सब कुछ हो चुका है, आखिर में पूजा बाकी था। तो देखिए सभी लोग मम्मी चाची सभी लोग मेरा पूजा हो चुका है। तो देखिए डायरेक्टली शिव शंकर जी का पूजा कर रहे हैं, आरती ले रहे हैं, सब कुछ यहाँ से अब कर सकते हैं क्योंकि जो कस्टम सा हम लोग सब कुछ ख़त्म करके आए हैं। तो देखिए चाची बहुत श्रद्धालु हो चुकी हैं आज बहुत ज़्यादा। तो देखिए सभी लोग एकदम से श्रद्धा में भरे हुए हैं और शिव 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 नाम जप ही रहे हैं। पूजा करने के बाद बैठने के लिए सुविधा अच्छा हुआ है। तो देखिए छाँव में सब लोग थोड़ा बहुत आराम कर सकते हैं। और इधर देखिए सब लोग इतने भक्ति में नील है। ये देखिए ये छोटी चाची और देखिए चलिए बड़ी चाची देखिए एकदम से देखिए श्रद्धा में नील है। ओम नमः शिवाय जप रहे हैं। वाव सनी भी देखिए तो फिलहाल गाइस हम लोग शिव मंदिर देखने के बाद अभी आए हैं जगन्नाथ ओमपुरी मंदिर देखने जो कि आगरा में है। सो आप अगर मेरा ब्लॉग पहले से देख रहे हैं तो मैं ये मंदिर ऑलमोस्ट आपको दिखा चुका हूँ। तो अभी तो मंदिर बंद हो चुका है गाइस, तो फिलहाल 1:30 बज रहे हैं ना, तो मंदिर बंद हो चुका है, सिर्फ बाहर से दर्शन करके ऐसे ही जाएंगे। सो गाइस देखिए अभी हम लोग मंदिर घूम के घर आ चुके हैं। देखिए मेरे बच्चे को खाना नहीं मिला है, रबर बैंड खा रही है। हैं दादी नहीं थी तो कौन खिलाएगा मेरे बच्ची को। सो गाइस आज आरुण भैया का एनिवर्सरी है, 1st एनिवर्सरी है। देखिए इधर है, तो उनके लिए अभी फ्लावर बुके बनाने हैं और अभी डिनर पार्टी के लिए आए हैं, केक वगैरह सब कुछ अरेंजमेंट हो चुका है। तो अभी फ़िलहाल अच्छे तरीके से अभी पहले बुके बनवा रहे हैं, फिर जाएंगे केक लाने, फिर सबको सरप्राइज देंगे। तो चलिए देखते हैं।
सो देखिए गाइस, अभी अम्मा पेस्ट्री में आए हैं केक ऑर्डर करने के लिए। केक ऑर्डर ऑलरेडी हो चुका था, तो केक लेने आए हैं। फोटो केक ऑर्डर किया गया था, मतलब बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। हम लोग का डिनर पार्टी 7 o'clock को शुरू होना था, अभी 9:15 हो रहा है। अनिल भाई आके वेट कर रहे हैं रेस्टोरेंट पे, बहुत ज़्यादा अनिल भाई के साथ सभी लेडीज़ लोग वेट कर रहे हैं, तो सब लोग बहुत गुस्सा कर रहे हैं। तो फिलहाल फटाफट यहाँ से काम करवा के जा रहे हैं। सो गाइस देखिए, अभी हम लोग रेस्टोरेंट आ चुके हैं, तो पूरा फैमिली आ रहा है पीछे, तो आपको दिखाते हैं। सो देखिए गाइस, अरुण भाई आएगा, अरुण भाई की वाइफ को हमारे सभी परिवार के तरफ से हैप्पी एनिवर्सरी। तो देखिए अभी ये देखिए कितना अच्छा से केक, एक देखिए दुल्हा दुल्हन। तो अभी फिलहाल केक काटने के लिए बंदोबस्त हो रहा है, तो होटल में आ चुके हैं, तो देखिए सभी लोग हैं। तो चलिए केक कटवाते हैं पहले। सो गाइस, सबने देखना कैसे हम लोग ने शिव मंदिर गए थे, बहुत ही सुकून मिला। शिव मंदिर जाके बहुत अच्छा लग रहा था, और फिर घर आने के बाद थोड़ा बहुत यहाँ केक ऑर्डर वो करते हुए बारिश भी आ गया था गाइस, तो अच्छा खासा पार्टी भी हो गया अरुण भाई का एनिवर्सरी। तो फिलहाल मुझे कल ही हुआ था, कल घर आते जैसे ही समझ लीजिए होटल में एंट्री हुए, थोड़ा बर्थडे केक काटे, मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। सो उसके बाद मैं ब्लॉग ही नहीं बना पाया, तो आज रात को एक दिन बाद ब्लॉग बना रहा हूँ। होप आप लोग को मेरा ब्लॉग अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपना प्यार देते हुए अपने दोस्तों के शेयर कीजिए। तो कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नए दिन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, गुड नाइट।